परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा राम चंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। श्री राम जय राम जय जय राम। तेज तेज बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम जपते रहो। जब लगी घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। श्री राम जय राम जय जय राम। तीन काल तिहुं लोक में गुरु से बड़ा न कोय। गुरु की पूजा किए ते। वो कहाँ गया बुला के लाओ। सबका पूजन हो। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना।
भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, रामचरितमानस के बहुत ही सुंदर एक पात्र हैं केवट। नौका चलाने वाले को केवट, मल्लाह इत्यादि शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो भगवान जब वन में जाते हैं तो उनको भी गंगा उस पार जाना होता है। तो गंगा उस पार जाने के लिए आप लोग भी जिस तरह नौका का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से भगवान को भी करना था। भगवान के साथ में उनका मित्र निषाद राज गुह, जो कि उस क्षेत्र का राजा था, वह चल रहा था। वह प्रबंध करता है उस पार जाने के लिए, केवट को बुलाता है और केवट आता भी है। जब आता है पहले तो सोचता है कि कोई साधारण, जिस तरह से हम हजारों यात्रियों को इस पार से उस पार करते हैं उसी तरह कोई साधारण यात्री हैं। लेकिन जब नज़दीक पहुंचता है तो देखता है कि तो तीनों लोकों को पार करने वाले स्वयं भगवान ही आज मेरी नौका पर बैठने के लिए आ गए। अगर इनको मैं साधारण तरीके से पार उतार दिया तो जो कुछ भी हमें पुण्य करने का थोड़ा बहुत अवसर मिलेगा वो शायद नहीं मिल पाएगा। तो केवट का यह दिल की इच्छा था, अनुराग था, भक्ति था कि भगवान का मैं चरण धोऊं। और चरण धो करके अपने घर में ले जाके छीटूं चरणामृत, और थोड़ा सा उसका पान भी करूं। लेकिन अगर सीधा तरीके से कहता तो साथ भगवान नहीं देते या चरण नहीं धुलवाते, या तो दुनिया के लोग कहते कि बंद कर पंखा, इधर वाला एक नंबर बंद कर दो, एक नंबर उसके बगल में
दुनिया के लोग यह कहते कि देखिए राम जी चरण धोवा रहे हैं, तो इसलिए केवट का कार्य तो था अटपटा, लेकिन था बहुत बुद्धिमान। जब भगवान कहते हैं उसको के मांगी नामन केवटुआना कही तुम्हार मरमु मैं जाना। भगवान कहते हैं भैया केवट, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हम 14 वर्ष वनवास जा रहे हैं और हमें गंगा जी पार होना है, उस पार कर दो। वो कहने लगा नहीं भगवान, मैं आपका मरम जान गया, आप किस उद्देश्य से आए हैं वो भी मैं जान गया। कहे तुम्हार मरम मैं जाना, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का मरम आज तक नहीं जान पाए हैं? जाप करते करते शरीर छोड़ दिए, लेकिन भगवान का मरम कोई जान पाया? कोई नहीं जान पाया। लेकिन केवट कहता है आपका मरम मैं जान गया। भगवान सबके मन की बात जानते हैं, लेकिन भगवान के मन में क्या चल रहा है कोई जानता है? कह उर अंदर बसत जानहु भाव कुभाव। यहाँ तक कहा गया कि राम झरोखे बैठ कर सबकर मुजरा लें, अजेकर जैसी चाकरी ओके वैसन दें। यानी भगवान सबके दिल में बैठ के सबका जान रहे हैं, लेकिन केवट ही एक ऐसा भक्त निकला रामचरितमानस में जो भगवान के मन में क्या चल रहा है वो कह दिया कि मैं आपके मन का जान रहा हूँ। मांगी नामन केवट आना अकहि तुम्हार मरम मैं जाना। हे भगवान आपका मरम मैं जान गया। क्या जान गया? उसको तो धोना है चरण, लेकिन बात को घुमा के बोल रहा है। कहता है कि चरण कमल रज कहूँ सब कही अमानुष करनी मूरी कछु अहई। हे भगवान ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कहते हैं, चर्चा है कि आपके चरण कमल में एक जादू है जो कि मनुष्य बना देता है, पत्थर से भी मनुष्य बना देता है। मैंने सुना है कि आप जब जनकपुर में जा रहे थे तो रास्ते में गौतम ऋषि की एक पत्नी थी अहिल्या, जो धोखे से आपका चरण छुआ गया तो अहिल्या नारी बन गई। तो कहीं अगर आपका चरण अगर मेरी नौका को छू दिया तो मेरी नौका भी क्या बन जाएगी? नारी बन जाएगी। तो एक मेहरारू तो ऊपर से माथा हमर खैले है और दूसर एगो नौको हमर मेहरारू बन जाएगी, तब तो फिर पता लगा कि हमर राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर आपको मनुष्य बनना है तो भगवान का चरण अगर आपके हृदय में आएगा तभी बन पाइएगा। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि मानुष करण मूरी कछु अहै। अभी हम लोग मनुष्य नहीं हैं। गोस्वामी जी ने मानस में कहा कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो पिनर पशु बिन पूछ बिखान। वो बिना सींग पूछ का क्या है? पशु है, जो भगवान का एक परमात्मा का भजन नहीं करता। तो अगर आपको मानुष बनना है तो यहाँ केवट कहता है कि आपके चरण रज में वो शक्ति है कि आप मनुष्य बना सकते हैं। इसलिए जिस भी किसी को मनुष्य बनना है, तभी आप कहेंगे हम लोग मनुष्य नहीं है, तो नहीं, मनुष्य वही है जिसका मन बस में हो जाए। अब मन बस में तब होगा जब भगवान का चरण आ जाए, तो इसलिए चरण ही भगवान का जो है वो मनुष्य बना सकता है। तो कहता है के तरनियो मुनि घर नी होई जाई
बाट परई मोरी नाव उड़ाई। हे भगवान, हमें चिंता है कि जो ये मेरी नाव है, नाव का एक नाम तरन्यु है, क्योंकि इधर से उधर तार के उस पार करती, तैरते रहती है, इसलिए नाम इसका तरन्यु है। तो चिंता है कि इसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। यही प्रतिपालं सब परिवारू और नहीं जानू कछु और कबारू। हे भगवान, इसी से मैं अपने परिवार का जो भी 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया आ जाता है भर दिन में, उसी से अपने परिवार को पालता पोसता हूँ। तो डर है, अब भगवान मन ही मने जान रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि इसका मन तो कुछ और है, लेकिन इतना घुमा के पहाड़ा पढ़ा रहा है। इसलिए उसने शर्त रखा कि अगर आपको पार जाना है तो मेरी एक बात माननी होगी। भगवान ने कहा कहो। तो कहता है कि जौ प्रभु पार अवसिगा चहू अमोहि पद पदुम पखारन कहूँ। तो मैं टेस्ट करूँगा अपनी लाइब्रेरी में, पहले आपका चरण धोऊँगा, फिर वो चरण थोड़ा सा जाके नैयों पर छीटूँगा, देखूँगा कहीं मेहरारू तो नहीं बन गई, उसके बाद घरों में छीटूँगा और अपनहूँ लूँगा। तब जब हम लोग सकुशल रहेंगे, कहीं परिवर्तन नहीं होगा, और तब मैं अपने नाव पर आपको चढ़ाऊँगा। ये उसका लास्ट डिसीजन। आगे गोस्वामी जी छंद के माध्यम से कहते हैं, बड़ा सुंदर, कि केवट कहता है कि ये इतना करने दीजिएगा, चढ़ाऊँगा नहीं तो नहीं चढ़ाऊँगा। पद कमल धोई चढ़ाई नामन नाथ उतराई चह मोही राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कह बरु तीर मारहूँ लखन पै जब लगी न पाय पखारी हूँ तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हूँ। कहता है भगवान, आपका चरण कमल धोऊंगा और हमें कुछ उतराई भी नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ लूंगा भी नहीं, केवल चरण कमल धोवा दीजिए। और मैं यह सत्य कह रहा हूँ, मैं दशरथ जी का सौगंध खा के कह रहा हूँ कि आपको मैं उतार दूंगा, और नहीं तो बरु तीर मारहूँ लखन पै। लखन जी हमें बाण भी मार दें, तीर भी मार दें, हमको ख़त्म कर दें, लेकिन हे भगवान, जब तक आपका मैं पाँव नहीं पखारूँगा तब लग हे तुलसीदास के नाथ। भगवान के नाथ, भगवान किसके नाथ थे? तुलसीदास जी के। रामायण रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट कहता है कि हे तुलसीदास जी के नाथ भगवान, तब मैं पार उतारूंगा जब तक पैर नहीं धोऊंगा। जब भगवान ने देखा कि भाई ये ऊपर से भले कड़ा कड़ा बोल रहा है खरे खर, लेकिन दिल में इसके प्रेम है। सुनि केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। सुनि केवट के बहन, बहन माने बानी, भगवान अटपटी बानी सुने। भगवान तो अंतर की जानते हैं, किसके मन में तो केवल यही भाव है कि प्रभु का पैर धो के अपनहूँ पार हो जाऊँ इस भव सागर से, और अपन पितरों के पार कर दूँ और हमार खानदानों पार हो जाए, यह उसके अंदर भाव था। भगवान ने कहा ठीक,
जो तुमको अच्छा लगे वो कर लो। कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, असोई करु जेहि तव नामन जाई। जिस तरह से भैया तुम्हारी नाव बच जाए, भगवान ने मुस्कुरा के कहा वही कर लो। बेगियानु जल पाय पखारू, अहोत विलंब उतारहु पारू। भगवान ने कहा देखो भाई हमको बहुत लेट हो रहा, अविलंब जल्दी से तुम जल ले आओ और हमें पार उतार दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ एग्जाम्पल देते हुए कि भगवान केवट को उतारने के लिए वहाँ गए हैं, नहीं तो भला बताइए उनके लिए छोटी सी गंगा नदी पार करने में क्या कठिनता है। कहें जा सुनाम सुमिरत एक बारा, अवतरही नर भव सिंधु अपारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मरते समय अगर धोखा से भी मुंह से राम नाम निकल गया भगवान का, तो आदमी भवसागर से पार हो जाता है। कहें जा सुनाम सुमिरत एक बारा, अनर उतर ही भव सिंधु अपार। भारत में या पूरे विश्व में कितने समुद्र हैं, कौन प्रशांत महासागर, फलना महासागर, इधर जाइए, लेकिन ये भव सिंधु से छोटे हैं। भव सिंधु सबसे बड़ा भव सागर है, ये पूरी दुनिया जहाँ तक है उससे भी बड़ा। तीनों लोक को एक तरह से भव कहा गया और तीनों लोक को वो पार करके भगवान में चला जाता है। नर सुमिरहि भव सिंधु अपारा, ये जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। और भगवान सोचिए कि जब उनका नाम जपने से लोग भव सागर पार हो जाता है, और वो एगो केवट का सहारा ले रहे हैं कि हमको तो गंगा पार कर दो। तो कहते हैं सोई कृपालु केवट ही निहोरा, अजे ही जगु कियते हूँ पगहू ते थोरा। भला भगवान जब राजा बलि बामन अवतार में भगवान आए तो बलि ने कहा कि आपको मैं तीन पग भूमि दिया, क्योंकि भगवान ने उससे तीन पग भूमि दान में मांगी थी। तो जब तीन पग भूमि वो गच लिया के हम दे दिए, कमेंटमेंट स्वीकार कर लिया, तो भगवान नापने लगे। तो नापने लगे तो दुए पग में पूरा सृष्टि नाप लिए। अगर वो चाहते तो गंगा जी तो एक कुछ नहीं थी, वो तो ऐसे लात करते उस पार हो जाते, क्योंकि वो तीनों दो पग में तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग क्या कहा बलि के, प्रभु मेरा शरीर नाप लीजिए। शरीर नापने का मतलब वो समर्पित हो गया, जो उसका अभिमान था वो नष्ट हो गया कि मेरे पास कुछ है नहीं है, अब शरीर नाप लिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके लिए तीन पग नहीं बल्कि दो पग में पूरी सृष्टि कम पड़ गई, और वो कहते हैं कि हे केवट तुम हमको उस पार उतार दो, वो तो तुरंत उतर जाते, लेकिन यहाँ तो वो केवट को तारने गए हैं। अब माता गंगा जी के भी मन में इच्छा है कि प्रभु जब से अवतार लिए हैं तब से उनका चरण मैं नहीं अभी पखार पाई हूँ, और जो कि इन्हीं के चरण से मैं निकली हूँ। जैसे जमुना मैया जब कृष्ण कन्हैया को नंद बाबा उस पार लेके जा रहे थे तो बढ़ गई जमुना मैया, तो जमुना मैया एकदम यहाँ तक उनके पानी आ गया, टीवी में देखे हो ना। अब फिर पानी जब जाके उनका गोड़ धो लिया भगवान का तो पानी अपने आप घट गया। तो उसी तरह गंगा जी की भी अभिलाषा थी कि कम से कम केवट के बहाने कठौती में भर के हमको लाएगा तो भगवान का चरण धो लूँगी, क्योंकि भगवान तो इस डायरेक्ट नाय पर चढ़ जाएंगे, घाट से देखते हो घाट पर से डायरेक्ट नाय पर, और जब उतरेंगे तो उधर से भी डायरेक्ट, उधर तक तो उनका चरण तो पड़ेगा नहीं। तो पद नख निरखी देव सरिहरसी, असुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। माता गंगा भी खुशी हो गई,
जहाँ केवट आज्ञा पाया तो केवट राम रजाय सुपावा अपानी कठवता भरी ले आवा। जहाँ प्रभु ने आज्ञा दिया कि लाओ भैया गोड़ धो लो, तहाँ तुरंत गया कठौती लाया जो ने मछली मारता था ना। अब पीतल का कठौरी कहाँ पाएगा वो, जो ने मछली उछली मारे हुए धो धाए के अपन ले आया और उसके बाद वहीं में गंगा जल भी अपना लेके आया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। आनंद पूर्वक भाव पूर्वक इतना उसके अंदर उमंग आ गया, क्योंकि भगवान तो अनुरागे पर मिलते हैं। गोस्वामी जी ने इसी मानस में कहा है कि मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा अकिए कोटि जप जोग विरागा। करोड़ों जोग कर लो, जप कर लो, भगवान के प्रति अनुराग हो जाए, उनके लिए रो, कहें बिन रोए न पैबू सजन सखियाँ। जब तक ये कहते हैं कि हे सखी, जब तक रोगी नहीं तब तक सजन नहीं मिलेंगे। सजन माने भगवान, और सखी कौन है, सब लोग। उनके लिए रोना है कि हे प्रभु कौन सा जन्म का हम पाप किए कि हम कोई माया में लटपट आए हैं, कभी अपने शरण में ले लीजिए ताकि आपका भी भक्ति करें। कहें मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, लोचन मल में जगह न हो तो चरण जुगल में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। हे भगवान, हे परमात्मा, क्योंकि न जाने कितने लोग हमारा हमारा करते चले गए। यह गांव में देखो 500 आदमी तो लगता हमारे इलाके बाद मर गया, वो तो कहता था कि हमर घर है, हमर दुकान है, हमर जायदाद है। हम जिसको जानते थे मरा तो कितना, लेकिन हम जिसको जानते थे, तो इसलिए हमर हमर करके कितना चले गए। आई कहे वसुधा तू न भाई काहू की, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु अनुराग पूर्वक प्रेम पूर्वक, तबे भगवान रीझेंगे। सब काम करो, ऐसा नहीं घर द्वार छोड़ के आके मंदिर में बैठ के माला जपो, नहीं, अपना काम घर में करते रहो। जो भी कोई गाय खिलाता है गाय खिलाओ, खेती करो, सब करो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सुबह शाम जैसे पैखाना जाते हो, लैट्रिन जाते हो, उसी तरह से 10 मिनट 20 मिनट भगवान का भक्ति भजन भी करना है, वो भी नियम का अनिवार्य अंग बनाओ। शाम में अपना गोड़ हाथ धो के पर पैखाना करके बढ़िया से जाके अपन जहाँ सोते हो बैठ जाओ और 10 मिनट 5 मिनट भगवान के नाम जपो, और उसके बाद तब सो। सुबेरे उठो तो फिर इसी तरह से गोड़ हाथ धो के 10 मिनट जप के धरती माता के गोड़ लग के, और उसके बाद अपना काम करो, तो देखो धीरे 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 तुम्हारे अंदर चेंजिंग बदलाव आएगा, अच्छा गुण अच्छा संस्कार होगा और फिर आगे भी बढ़ोगे। तो केवट भगवान का चरण धोने लगा और देवता लोग बेचारे ललचने लगे। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही अयहि सम पुण्य पुंज को नाही। देवता लोग कहते हैं धन्य हो केवट, जिस चरण को आज तक हम लोग दर्शन ही करते रह गए और उसको तुम मल मल के धो रहे हो, तुम तो बहुत पुण्य साली हो। आगे गोस्वामी जी कहे कि पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं ले पार। पद पखारी जलुपान कर, पहले पद पखारा, फिर चरणामृत लिया और फिर परिवार में जाके छीटा और उसके बाद अपने पितर को भी पार कर दिया। हमारे दादा गुरु महाराज कहे हो जिस घर में एक अच्छा भगवान का भक्त जन्म ले ले उस घर का 20 पुश्त इधर और 20 पुश्त उधर तर जाता है।
केवट उस जन घर में सब तो मछलिये मारते पकड़ते होकर बाप दादा मर गए, लेकिन एक केवट उस घर में राम भक्त जन्म ले लिया, परमात्मा का भक्त बन गया, तो क्या हुआ कि ओकर पितर भी तर गए, बापो दादा तर गए और ओकर परिवारों तर गया और आए वाली पीढ़ियों तर गई। भाई जे भी उसके घर में जन्मेगा जब तर गया तो कोई पुण्यात्मा ही जन्मेगा, तो इसलिए वो पितर पार कर प्रभु ही पुण्य, भगवानों को पार कर दिया, मुदित गयऊ ले पार, उस पार भगवान को उतार दिया। जब भगवान उतरे, उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरे ता असिय राम गुह लखन समेता। माता जानकी, प्रभु श्री राम, निषाद राज गुह, लखन जी सब उस पार खड़े हुए। अब उसके बाद केवट भगवान को दंडवत करता है। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, अप्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दीन्हा। भगवान तो वनवासी थे, संत वेश में थे, उनके पास तो कुछ देने के लिए उसके पास था ही नहीं, प्रभु ने कुछ दिया ही नहीं केवट को, सकुचा गए। क्योंकि आप लोग यहाँ से हवा हवाई पकड़ते हैं या टेम्पू टेकर कुछ भी, तो जब उतरते हैं तो भाड़ा किराया देते हैं 5 रुपया 10 रुपया जो भी बख्तियारपुर का है, तो उसी तरह भगवानों इस पार से उस पार नाए उतारे थे, केवट उतारा था उनको, तो सोचे कि भाई कुछ देना चाहिए क्योंकि मैं इसके नाव से उतरा हूँ, तो लेकिन सकुचा गए, देने के लिए तो कुछ था नहीं, अयोध्या से लेके कुछ चले नहीं थे। अब माता जानकी का भी सब गहना उतरवा रही थी कैकेयी, तो जो उनकी गुरु माता थी, 2-3 गहना जो महिलाओं का, जैसे मंगलसूत्र हुआ, अंगूठी हुआ और कान का बाली, ये सब सुहाग का प्रतीक होता है, तो गुरु माता ने कहा रे कैकेयी इतना निर्दयी मत बन, कम से कम सीता ने जो गहना जो सुहाग का प्रतीक पहना है उसको मत उतरवाओ। सब गहना तो उतरवा ली, लेकिन 2-4 गहना था जिसमें अंगूठी भी था, तो माता सीता जी अपने पति के मन की बात जान गई, तो वह अंगूठी उतार के भगवान को देने लगी। पिय सिय की हिय, पिय हिय की सिय, जान निहारी अमनि मुदरी, मन मुदित उतारी। उतार के दे दी भगवान को, और भगवान कहने लगे केवट से, कहे ओ कृपाल ले ही उतराई, अकेवट चरण गहाय कुलाई। भगवान ने कहा लो भैया केवट, अपना उतराई ले लो, किराया ले लो अपना। केवट भगवान का चरण पकड़ लिया। केवट कहता है कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, आज तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो नहीं पाते हैं वो आपने हमको दे दिया, और ये क्या दे रहे हैं। नाथ आज मैं काह न पावा, अमिटे दोष दुख दारिद दावा। हे भगवान, आज मैं क्या नहीं पा गया, अरे आपका चरण मैं धो लिया तो मेरा जन्म जन्म का दोष दुख दरिद्रता सब मिट गई, मैं तो सब धन पा गया। कबीर साहब कहे ना कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, अधनवंता सोई जानी हूँ, जहाँ राम नाम धन होय। कहता है कि हे प्रभु, ये अंगूठी हमको आप क्या दे रहे हैं, आज तो मैं राम नाम रूपी धन पा गया, और इससे बड़ा धन संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि माता मीरा कहती है यह धन जो है ना, चोरन लूटे अखरचे न खूटे, अदिन दिन बढ़त सवायो पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। इराजी 10 रुपया सैकड़ा ना बढ़ा हन, इस सवाई
कितना सूद दे के हम 10 रुपया सैकड़ा के नीचे देवे न कर, लेकिन कौन ये 500 हजार रुपया, लेकिन अगर राम नाम धन ले आया तो ये दिन दिन बढ़त सब आयो। आज 100 रुपया है तो कल कितना हो जाए, 15 रुपया सैकड़ा यहाँ चलता, फिर कितना हो जाए, तो दिन दिन बढ़त सब आयो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। केवट कहता है प्रभु इतना बड़ा धन दे दिए आज आप हमको, आई अंगूठी हमको क्या दे रहे हैं, उसके सामने तो ये कुछ नहीं है। आगे केवट कहता है कि बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन विधि बनी भली भूरी। हे भगवान, बहुत काल तक मजदूरी में किया, बहुत काल तक मैं नाव से इस पार और उस पार लोगों को उतारा, लेकिन वास्तविक मजूरी तो आज आपने हमको दिया, जो कि आपने अपना चरण धुलवा दिया। अब कछु नाथन चाहिए मोरे अदीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट कहता है प्रभु अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं पूर्ण मिदम हो गया, पूर्ण मिदह पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण अगर निकाल दो तो भी पूर्ण ही बचता है, तो अब आपका जब चरण कमल हृदय में आ गया तो मैं पूर्ण हो गया। केवल हे प्रभु लौटिएगा। देखिए चतुराई केवट का, देखा कि भगवान कहीं उधरे से उधरे चल जाएंगे, दर्शन होगा नहीं, तो इसलिए एक कमिटमेंट इनसे मैं करवा लेता हूँ, कम से कम लौटानियों दर्शन हो जाएगा। तो कहता है कि अभी तो हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, लेकिन हाँ लौटते समय हमको जरूर कुछ दे के जाइएगा, उहे लेंगे। फिरती बार मोही जो देवा असो प्रसाद मैं सिर धरी लेबा। हे भगवान लौटते समय जो दीजिएगा वो मैं ले लूँगा। तो भगवान जब रावण युद्ध समाप्त हुआ, रावण को मार के जब लौट रहे थे तो हनुमान जी कहें कि देखो सीता माई गंगा जी का पूजन मांगी है, हम केवट को वचन दिए हैं कि लौटते समय तुमको हम कुछ देंगे, तो इसलिए तू जाओ वहाँ पहले भरत को संदेश कह दो कि राम जी आ रहे हैं, तो वह पुष्पक विमान भगवान गंगा किनारे फिर उतारे, तो फिर वो दर्शन कर लिया। तो भगवान कहे वो बहुत चतुर है। बहुत कीन प्रभु लखन सिया अनहि कछु केवट ले। बहुत भगवान कहे लेकिन केवट नहीं लिया। अविदा कीन करुणायतन भगति विमल बरुदे। तो भगवान विदा कर दिए भक्ति का विमल वरदान दे करके। तो इसलिए जो केवट जी हैं इस भक्ति के में, तो मानस में पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्म विद्या में भी बताए हैं कि कर्तव्य ही केवट है। जब साधक गंगा के किनारे अर्थात ज्ञान कुछ पा जाता है, क्योंकि ज्ञान ही गंगा है, तो उसके किनारे नियम ही नौका है, तो नियम पूर्वक इस पार उस पार मतलब भगवान का सुबह शाम नियम पूर्वक वो जाप किया तो भगवान फिर उसके हृदय में आने लगते हैं। तो यह हृदय ही कठौता है और ज्ञान ही गंगा जल है, तो उससे फिर उसको धोता है, और जब धोता है तो भगवान का जब हृदय में चरण कमल आ गया प्रभु का हृदय में भक्त के, तो वही भक्त क्या होता है भवसागर से तर जाता है। यह इसका मूल हुआ। तो इसलिए सबको केवट जैसा भक्ति करना है कि नियम पूर्वक सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जिसको जितना समय मिल जाए, लेकिन 10 मिनट तो जरूरी है। सीताराम नाती पोता खिलाते रहो जपते रहो और उसके बाद देखो सोने में सुहागा रहेगा, यहाँ भी बढ़िया से रहोगे और मरोगे तो वहाँ भी रिजर्वेशन भगवान यहाँ भी ठीक रहेगा, फिर अगला जन्म मनुष्य मिलेगा। भगवान ने कहा कि अंत समय में
जिसकी जैसी मति होती है उसका वैसा गति होता है। हाँ, भगवान कहें जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर से प्राण को त्यागता है वो फिर मनुष्य शरीर में आता है। तो इसलिए चलते फिरते नाम जपिए और तब जाके भगवान का चरण हृदय में आएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाय। अजय से रवि के उदय से अंधकार मिट जाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाई। अजय से ज्वर के ताप से भूख विदा होई जाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।